दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएलएड प्रोग्राम पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करें, इससे पूर्व एक विद्यार्थी जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके माइंड में 3-4 सवाल जो अराइज होते हैं। सबसे पहला तो ये कि सर, बीएड और बीएलएड प्रोग्राम का डिफरेंस क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो बीएड एक ऐसा प्रोग्राम है जो 2 साल का होता है, ठीक है? बीएड इज अ 2-ईयर कोर्स और एट प्रेजेंट अभी ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। 2 साल का जो बीएड है वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, और जो बीएलएड है, बीएलएड 4-ईयर प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है एक तरह का। ऐसा कह लीजिए कि इसमें आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिलती है, प्लस साथ साथ आप टीचर एजुकेशन के फील्ड में भी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बीएलएड करने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होती है क्लास 12th पास, ठीक है, आफ्टर क्लास 12th। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि कोई बच्चा बीएड करके अगर टीचर एजुकेशन के फील्ड में जाता है या टीचर बनना चाहता है, तो वो टीचर बनता है क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए। कहने का मतलब है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस के लिए वो टीचर बनता है। लेकिन वहीं कोई बच्चा बीएलएड करके जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री स्टेज, क्लास 1 to 8, ध्यान रहेगा क्लास 1 to 8, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब ही है क्लास 1 to 8, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो कोई बच्चा बीएलएड करेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 to 8 तक को पढ़ा सकता है। बीएड वाले में आजकल कुछ नई पॉलिसीज आई है, सिंस मैं टीचर एजुकेशन के फील्ड से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे कि बीएड अब ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। और आजकल ये भी हो गया है कि बीएड के बाद भी बच्चे जो है एलिमेंट्री स्टेज के बच्चे उसको पढ़ा सकते हैं, तो वो जो डिबेट है वो तब शुरू होता है कि जब आप बीएड कर लेते हैं और आपने मान लीजिए एलिमेंट्री स्टेज टीचिंग में अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पर कंडीशन ये होता है कि आपकी जॉब लगने के बाद 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का एक जो है ब्रिज कोर्स होता है करना पड़ता है, मतलब एक शॉर्ट कोर्स होगा जिसमें छोटे बच्चों को, एलिमेंट्री स्टेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है वो चीज़ आपको सिखाया जाता है। तो ये कुछ छोटे और बहुत मोटे डिफरेंस हैं बीएड और बीएलएड के बीच में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएलएड प्रोग्राम को देखें तो केवल और केवल वुमेन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, ओनली एंड ओनली फीमेल। तो कोई भी मेल कैंडिडेट इस वीडियो लेक्चर को देख रहा है तो इट इज़ नॉट वर्थ फॉर हिम, तो केवल फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। एक क्वेश्चन और उठता है माइंड में कि जैसे मान लीजिए कोई सर NIOS से करके आया है, या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना कि वो एग्जैक्टली 12th नहीं पढ़े होते हैं, 12th इक्विवेलेंट कोई डिग्री लिए रहते हैं, तो क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड करने के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल वो भी एलिजिबल हैं। अब कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आप एडमिशन ले सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, क्लासेस भी उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज होती हैं। और फिर एक नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन आता है कि सर, मैं स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू क्या बीएलएड में एडमिशन ले सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू बीएलएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। फिर एक आता है कि सर, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है बीएलएड करने के लिए? यहाँ पर एज का एक क्राइटेरिया ये सेट है कि एक कैंडिडेट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएलएड का फॉर्म भरेगा उसका मिनिमम एज 17 ईयर्स का कम्प्लीट हो जाना चाहिए। कब? 1 अक्टूबर को। जिस साल भी आप अप्लाई करोगे उस साल के एकेडमिक कैलेंडर में 1 अक्टूबर को आपका 17 साल का उम्र अगर कंप्लीट हो जाता है, 17 ईयर्स ऑफ एज हो जाते हो, तभी आप बीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये हैं कुछ मेजर क्राइटेरिया डीयू के बीएलएड प्रोग्राम के लिए, उस पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। अगर आप बीएड या दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर के डिटेल्स देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर और डीयू बीएड करके अलग प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पर आप बाकी के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर कल को आप टीचर एजुकेशन के फील्ड में आ जाते हैं, आप बीएड करते हैं, बीएलएड करते हैं या कोई सा भी टीचर एजुकेशन की डिग्री लेते हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में मेरे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशनल साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, इन सभी लेक्चर्स को आप फॉलो करते हैं। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। और दिल्ली बाइट्स की एसोसिएट और एस्पायरिंग जर्नलिस्ट आर्या गुप्ता मैम ने यूपीएससी टॉपर इरा सिंगल मैम का इंटरव्यू किया था।
कनन गोपीनाथन IAS जिन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, अभिनय सिंह सर हु इज असिस्टेंट कमांडेंट एंड हैज क्वालिफाइड द एग्जाम्स ऑफ UPSC CAPF, आप इन लोगों का भी इंटरव्यू देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप में से कोई भी हायर सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है। बाकी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो यूट्यूब पर आप आर्या गुप्ता सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। एक नज़र हम दिल्ली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब, इग्नू लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स और टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड सभी लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, न्यूज एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो सबसे बेसिक चीज, DU में BLED करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो क्लास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है? क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है क्लास 12th। देखिए, कोई बच्चा फाइनल ईयर में है, यानी कि मतलब जो क्वालिफाइंग ईयर में है, जिसको अभी अपना बोर्ड एग्जाम जिसने दिया है, रिजल्ट आएगा, तो जो भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो भी एलिजिबल हैं, और जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने ड्रॉप कर दिया है या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई भी कैंडिडेट, तो वो दोनों ही एलिजिबल हैं। बस क्राइटेरिया इतना है कि क्लास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, और ये भी कह रहा है साथ में कि ये कुछ 4 सब्जेक्ट्स आपको बता रहा है कि इन 4 सब्जेक्ट्स में मिनिमम पास मार्क्स अचीव करना जरूरी है। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे बोर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए जहां पर 6 सब्जेक्ट है, आप 5 में भी पास हो गए तो भी आपको क्लास 12th पास कर दिया गया, और मान लीजिए आपके 60% हो लेकिन उसके बाद भी आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, तो वहां के केस में कह रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो नॉन एलिजिबल हो जाएंगे, जो इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि 99% कैंडिडेट्स जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो एलिजिबल हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है, कुछ स्टेट बोर्ड्स को हम एक्सेप्शन छोड़ दें। तो देखिए, वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स क्या हैं जो वो कह रहा है कि जिनमें मिनिमम पास मार्क्स होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया तो कह रहा है कि 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 एंड 3 फ्रॉम लिस्ट 2। तो ये कह रहा है कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो भी आप चूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपने पास मार्क्स, मिनिमम पास मार्क्स जो भी आपके बोर्ड में हो वो आपने अचीव किया हो, जो कि बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया होगा। फिर इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए, जो आप चूज करोगे, जो भी आपका रिजल्ट होगा, आपके रिजल्ट में जो भी 3 सब्जेक्ट इसमें से आपने पढ़ रखे होंगे उसमें आपने मिनिमम पास मार्क्स अचीव कर रखा हो। अगर ये दोनों क्राइटेरिया भी नहीं फुलफिल हो रहा है तो वो कह रहा है कि 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1, कोई भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ा हो उसमें आप पास हो। फिर कह रहा है कि 2 फ्रॉम लिस्ट 2, इसमें से कोई सब्जेक्ट ले लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो जिसमें कि आप पास हो, जो भी आपने पढ़ा हो, और कोई एक सब्जेक्ट ले लो लिस्ट 3 से जिसमें आप पास हो। तो सिंपल सा क्राइटेरिया आप देख पा रहे होंगे, ऐसा दिक्कत ग्रेजुएशन के बच्चों के साथ आती है, लेकिन क्लास 12th के सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट्स में पास होते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ देम 50% मार्क्स अचीव किए रहते हैं, तो सिंपल सी बात यही है कि क्लास 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो भी गर्ल्स हैं, उनके लिए बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है? एक एंट्रेंस एग्जाम होगा 2 घंटे का, जिसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्लास 10th लेवल के रहेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, मैथमेटिक्स का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, सोशल साइंस का मिलेगा, सबका लेवल जो है क्लास 10th लेवल पर होगा। पेपर आपका MCQ फॉर्मेट में होगा, एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्क्स भी आपको दिया जाएगा, तो पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपको -1 दिया जाएगा। फिर एंट्रेंस एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस आपके लिखे रहेंगे, तो किसी भी मीडियम का कोई स्टूडेंट हो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ और, कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस बात से कॉन्फ्यूज नहीं होना है कि आप क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव पेपर लेके लिख के पास होते हैं तो क्या BLED में भी कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा? नहीं, ऐसा बहुत पहले होता था, एक भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं DU के जो BLED प्रोग्राम में एडमिशन करवाते हैं। देखिए, सिंस DU से BLED सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं, तो आप देखेंगे ना कि यहाँ जो लिस्ट ऑफ 8 कॉलेजेस हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस ऑलरेडी केवल गर्ल्स कॉलेज ही हैं। तो हम इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको काउंसलिंग में ऊपर भरना होगा और किसका लोकेशन अच्छा है और कौन सा कॉलेज का क्या रैंकिंग है, तो उस हिसाब से आप बात को समझ पाएंगे। अपने अपने एरिया के हिसाब से आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल ये जो 8 कॉलेजेस हैं, अदिति महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, जीसस एंड मैरी कॉलेज, लेडी श्री राम, माता सुंदरी, मिरांडा हाउस,
श्याम प्रसाद मुखर्जी आप। तो देखिए इसमें क्या है कि आप सबसे पहले देख लीजिए कि कॉलेजेस में सीट कितना है, उसके बाद साथ में आप एक चीज और देखेंगे कि आपका एडुकेशन, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। जैसे मान लीजिए आप कोई चाहते हैं कि आपके कॉलेज का फीस कम हो, क्योंकि देखिए माता सुंदरी और मिरांडा का फीस महंगा होगा। यस, देखिए यहाँ पर माता सुंदरी और मिरांडा का फीस महंगा है, SPM का भी फीस महंगा है उस कंपैरिजन में अदिति महाविद्यालय। तो अब अदिति महाविद्यालय का लोकेशन बहुत अच्छा नहीं है, ये आपको पड़ेगा बवाना में पड़ेगा, आपको दिल्ली में बवाना में पड़ेगा, तो दिल्ली में थोड़ा आउटसाइड दिल्ली में पड़ेगा। तो अब इसकी फीस केवल 8,710 रुपये है। तो आप अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखिए कि आप फीस कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ 8,710 रुपये फीस है, 19,000, 22,000, 17,000। तो ये एक बार आप टोटल फी स्ट्रक्चर भी देख लीजिए कॉलेजेस का, फिर आप ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस कॉलेज में क्या अच्छा पड़ेगा, तो किस बेसिस पर आपको काउंसलिंग में कॉलेजेस को चूज करना होगा। देखिए यहाँ पर एक लिख रखा है कि जीसस एंड मैरी कॉलेज, तो ये कॉलेज क्रिश्चियन माइनॉरिटी बेस्ड है, तो यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए 25 सीट्स रिजर्व हैं। ये माता सुंदरी कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है, तो ये 25 सीट्स हैं, ये भी माइनॉरिटी रिजर्व्ड हैं। बाकी के जो सीट्स हैं ये टोटल देखेंगे, ये जनरल कैंडिडेट्स के सीट हैं, ये फिर ये OBC, SC, ST। तो आप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। तो थोड़ा मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बता दूं, देखिए ये कॉलेजेस के बारे में क्यों बता रहा हूं अभी ही। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BLED का फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म भरते वक्त ही आपसे वो ये बात बोलेगा कि केवल ये टोटल 8 कॉलेजेस हैं जो BLED करवाते हैं। तो वो आपसे उसी वक्त कहेगा कि इन कॉलेजेस को आप सीक्वेंस में अरेंज करिए, कौन सा कॉलेज आप फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर लेना चाहोगे, कौन सा कॉलेज आप सेकंड प्रायोरिटी बेसिस पर लेना चाहोगे, और कौन सा कॉलेज आप 8th यानी कि लास्ट प्रायोरिटी बेसिस पर लेना चाहोगे। तो वो ऐसा करते हैं, देखिए जो कॉलेजेस हैं उनमें कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है नॉर्थ कैंपस का एनवायरनमेंट बहुत ही लाइवली आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उस केस में आप मिरांडा हाउस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज LSR बहुत अच्छा है, जीसस एंड मैरी बहुत अच्छा कॉलेजेस है। तो ये तीनों कॉलेजेस आप देखेंगे काफ़ी मतलब जो है टॉप के रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं। गार्गी कॉलेज ये भी बहुत अच्छा है। अदिति महाविद्यालय का थोड़ा सा लोकेशन दिल्ली के आउटसाइड पे पड़ता है, लेकिन इसका फीस बहुत कम है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस ये भी बहुत अच्छा है। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन ये आपको पड़ेगा, आप कह लीजिए दिल्ली में कनॉट प्लेस जो है, दिल्ली का जो मेन सेंटर है, सेंट्रल दिल्ली है, वहाँ से आपको 2-4 किलोमीटर पर होगा ये माता सुंदरी कॉलेज, लेकिन एक सिख बेस्ड माइनॉरिटी कॉलेज है। फिर SPM आपको पड़ेगा पंजाबी बाग में, दिल्ली में पड़ेगा। तो ये इसका फीस 17,035 रुपीज़ है। तो आप उस हिसाब से कॉलेजेस को देख के सिलेक्शन प्रायोरिटी बेसिस उसी हिसाब से रखिएगा कि अपने लोकेशन के हिसाब से कैसे रखना है। ध्यान रहे सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर एजुकेशन का सारा प्रोग्राम, वो BLED हो, BEd हो, सब कुछ गवर्न होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIE से, जो कि नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है, जहां से BEd वगैरह का और बाकी का सारे टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि मैं CIE और MVCOE से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये CIE जो है मतलब हेड ऑफिस है उसका, और यहीं से सभी टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स गवर्न होते हैं। तो उसके अंदर टोटल ये 8 गर्ल्स कॉलेजेस हैं जहां पर आपको BLED करने के लिए मिलता है। ये फी स्ट्रक्चर एक बार और थोड़ा देख लीजिए, मैंने इसको और विस्तृत ढंग से डिवाइड करके यहाँ दिखाया है कि अलग अलग कैटेगरीज में फीस स्ट्रक्चर कितना है। और कॉलेजेस को प्रायोरिटी लिस्ट में अरेंज करने से पहले एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं, दो आई वुड से इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस वक्त इस फैक्टर को देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कॉलेजेस को अरेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए ये जीसस एंड मैरी कॉलेज है, मान लीजिए इसको आपने टॉप पर रख दिया, तो होगा क्या, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन में आप आगे बढ़ते हैं तो आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे ये भी मायने रखता है। तो ये सब चॉइस करते हैं आप कॉलेज में एडमिशन के बाद। लेकिन अगर जीसस एंड मैरी कॉलेज में आप चले जाते हो और मान लो वहाँ आपसे कहता है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में कि लिबरल कॉलेज, लिबरल सब्जेक्ट चूज करिए, तो अब सब्जेक्ट आपको कोई चूज करना होगा, कोई भी लिबरल कोर्स, तो जीसस एंड मैरी में पॉलिटिकल साइंस है ही नहीं। यहाँ आप देखिए ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऐसा हो जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट हो पॉलिटिकल साइंस में, तो फिर वो SPM भरे, वो मिरांडा को पहले ऊपर रखे, उसी तरह आप दूसरे सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सक। मान लीजिए आपको साइंस का कोई सब्जेक्ट लेना है तो फिर कॉलेज का प्रायोरिटी भरिएगा, तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि वो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं तो अदरवाइज होगा क्या कि आप BLED में एडमिशन ले लोगे, जब कॉलेज में पढ़ने गए आगे तो वहाँ पता चला कि ऑप्शन में सिर्फ यही 2-3 सब्जेक्ट हैं।
तो उस कंपैरिजन में आप देखोगे कि मिरांडा हाउस में सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल आपको दिख रहे होंगे, गार्गी में आपको मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, एसपीएम भी अच्छा कॉलेज है, तो ये सब आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट चॉइस पे क्या फैक्टर्स आपको रखने हैं। और आप सब ने सुना होगा या जानते भी होंगे इस बात को कि टीचर एजुकेशन के किसी भी डिग्री या प्रोग्राम को अगर आप करते हैं तो उसमें आपको स्कूल की जो ट्रेनिंग होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है आपको डिग्री कंप्लीशन में। तो अब होगा क्या कि आप बीएलएड में एडमिशन लेते हो तो फाइनल ईयर फोर्थ ईयर में आपको स्कूल्स में भेजा जाएगा टीचर बना के बकायदा ढंग से आपको ट्रेनिंग के लिए, और आप जाओगे वहां पर और 4 से 5 महीने आप रेगुलरली जाके क्लास लोगे। आपको क्या होगा कि आपको अपने कॉलेज नहीं आना होगा, आप सुबह उठोगे मॉर्निंग में, स्कूल का जो भी टाइमिंग होगा, आप जैसे मान लीजिए आपको केंद्रीय विद्यालय मिल गया या दिल्ली में आरपीवीवी मिल गया, क्योंकि जो बीएलएड के डीयू के स्टूडेंट्स हैं उनको आरपीवीवी, सर्वोदय बाल विद्यालय, एमसीडी, केंद्रीय विद्यालय, इन सब जगहों पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो स्कूल की जो भी सुबह टाइमिंग होती है उस समय एज अ टीचर आप वहां पहुंचेंगे, 4 से 5 महीने आप पढ़ाते हैं, उनका पूरा कोर्स कंप्लीट कराते हैं, तो वो ट्रेनिंग आपको फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में देखने के लिए मिलती है बीएलएड के प्रोग्राम में। बीच बीच में शॉर्ट ट्रेनिंग भी होती रहती है, लेकिन फोर्थ ईयर में होगा क्या कि अगर आपको 550 मार्क्स का आपका पूरा सेमेस्टर है बीएलएड का, तो आप पाएंगे कि 250 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपका टीचर ट्रेनिंग का कोर्स ही होता है। और एडमिशन से पहले एक कैंडिडेट के दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस और जो उठ सकते हैं वो ये है कि सर हॉस्टल कौन कौन से कॉलेजेस में है। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल, कॉलेज का जो हॉस्टल होता है बहुत ही लिमिटेड कॉलेज में है, एक तो एलएसआर में है, दूसरा मिरांडा हाउस में है, और किसी भी और कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है तो उस कॉलेज का हॉस्टल नहीं होता है। जब आप नॉर्थ कैंपस में आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वहां पर क्या है ना, एक कैंपस का ही बड़ा सा हॉस्टल होता है, तो उसमें आप अप्लाई करके हॉस्टल ले सकते हैं, लेकिन इसमें हॉस्टल जल्दी इतना इजीली मिलता नहीं है क्योंकि कॉलेज का खुद का हॉस्टल नहीं होता है। सभी कॉलेजेस के अलग अलग कोर्सेज के सभी गर्ल्स स्टूडेंट्स का एक सेपरेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल होता है, वहां पर सभी अलग अलग डोमेन से लोग अप्लाई करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्टल की सीट्स इसमें बहुत लिमिटेड होती है। तो इसमें हॉस्टल मिल जाए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाकी के जगह एलएसआर में और मिरांडा में आपको मिलता है, तो इनका कॉलेज का अपना सेपरेट हॉस्टल भी है। और सिंस मैं एक करियर काउंसलर भी हूँ तो बीएलएड प्रोग्राम का प्रोफेशनल वैल्यू क्या है, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, उस बात को भी मैंने इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है। ये आपको बीएलएड के प्रोस्पेक्टस में भी देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए अगर आप बीएलएड कंप्लीट करते हैं तो पहले तो आप एमसीडी में, जो दिल्ली में क्या होता है ना, एमसीडी के अलग स्कूल्स हैं, तो आप एमसीडी में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एनडीएमसी में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सर्वोदय विद्यालय में आप अवेलेबल हो जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में आप एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए ये एमसीडी, एनडीएमसी, सर्वोदय बाल विद्यालय जो होते हैं, फिर आरपीवीवी जो है दिल्ली में है, केंद्रीय विद्यालय हैं, जो नवोदय विद्यालय हैं, ये कुछ इसमें स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कुछ म्यूनिसिपैलिटी फंडेड हैं जैसे एमसीडी के जो कॉलेजेस हैं, तो ये अलग अलग जो स्कूल्स हैं इसमें आप एज अ टीचर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएलएड किया है तो एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड के कोर्स कंप्लीटेड सभी कैंडिडेट्स इन सभी स्कूल्स में गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करने पर पूरा पूरा एलिजिबल होते हैं। तो बहुत से कैंडिडेट हैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के बाद कोर्स करिकुलम का वेंचर वो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी बच्चा मान लीजिए अपने कोर्स में बहुत अच्छा नॉलेज रखता है और उसमें हायर स्टडीज़ भी परस्यू करता है, तो आप करिकुलम डेवलपर, कंटेंट डेवलपर, कोई भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, जैसे मान लीजिए जहाँ पर आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई रिसर्च किया जा रहा हो, पढ़ाया जा रहा हो, तो वहाँ पर आपका तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा बहुत ईजिली। गवर्नमेंट में जैसे मान लीजिए रिसर्च एजुकेशन, आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं, पीजी डिग्री लेते हैं, जैसे मान लीजिए बीएलएड हो गया, उसके बाद आप मान लीजिए कोई और टीचर एजुकेशन में रिसर्च लाइन में जाते हैं, एमएड हो गया, या फिर कह लीजिए पीएचडी हो गया टीचर एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में, तो वहाँ आपका काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। फिर टीचर एजुकेटर के तौर पे वेरियस स्टेट इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, कॉलेजेस जो स्टेट लेवल पर हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएलएड में अप्लाई करते हैं, आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, तो आपके स्टेट के लेवल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जहाँ पर बीएलएड के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, तो आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। बाकी का आप दिल्ली बाइट्स की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप के लिए आपको DUBLED 261 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और 261 रुपीस का पेमेंट करना होगा। ध्यान रहे अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं तो ये नंबर मैं नहीं देखता हूँ, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर हैं वो देखती हैं। तो अगर आप ये कोड लिखकर नहीं भेजते हो तो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा,
और टेक्स्ट करने के बाद आप 24 to 48 आवर का वेट करेंगे, जिसमें आपको पेमेंट का लिंक सेंड किया जाएगा। सिंस ये जियो वोडाफोन का कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है जिस पर 24/7 कोई आदमी बैठा होगा, आप क्या करेंगे, ये कोड लिखकर टेक्स्ट कर देंगे, तो मेरी हैंडलर को हैंडल करने में बहुत ईजी होगा, वो आपको पेमेंट का लिंक भेज देंगी। जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद मेरे नंबर से आपको खुद ही टेक्स्ट आएगा। सवाल है ये मेंबरशिप क्यों ले? देखिए, पहले बीएलएड का पेपर ऑफलाइन होता था, पिछले 2 साल से पेपर ऑनलाइन होता है। एग्जाम इसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराती है, तो जो पेपर ऑनलाइन हुआ था वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी आपको इस मेंबरशिप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रीवियस 2 ईयर के ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो NTA ने करवाया था, वो पेपर विद सॉल्व्ड आंसर की आपको इस मेंबरशिप में प्रोवाइड की जाएगी। फिर 261 रुपीज का पेमेंट और किस बात के लिए है? देखिए, जब आप डेली बाइट्स की मेंबरशिप लेते हैं तो इस पे आप मेरे से कभी भी वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, कि टीचर एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन से अलग अलग वेंचर्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये वन टाइम आपने पेमेंट कर दिया तो ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया आज, अब आप एडमिशन लेने गए, कहीं आपका एडमिशन हुआ कहीं नहीं हुआ, और आपको मेरी ज़रूरत पड़ रही है 6 महीने बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो सिंस आपने एक बार पेमेंट किया था तो आप जब भी व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करोगे तो उस दिन आपको एक फिक्स टाइम अलॉट कर दिया जाएगा और उस दिन आप मेरे से वॉइस कॉल पर बात कर सकते हो। तो मेंबरशिप के लिए आपको ये DUBLED261 ये कोड लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको रिप्लाई करेंगी। वंस यू आर द पेड मेंबर, फिर आपको मेरे नंबर से टेक्स्ट आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स का एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। टीचर एजुकेशन के फील्ड में अगर आप आगे करियर परस्यू कर सकते हैं तो मेरे लेक्चर्स भी आते हैं जिसको आप अपने एकेडमिक एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। और आप सब में से फ्यूचर में कोई भी कैंडिडेट इग्नू से कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स परस्यू करता है तो मार्केट में सभी पब्लिशिंग हाउसेज में मेरा इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट आते हैं, जो आप मार्केट से ही परचेज कर सकते हैं, या डेली बाइट्स का जो व्हाट्सएप हैंडलर नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके सभी इग्नू के असाइनमेंट्स को परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।